गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुशीला शर्मा फ्रॉम संत मैरिज पब्लिक स्कूल और आज मैं आप लोग को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी चैप्टर 2 और जो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि पौधों के भाग। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य और जानवरों की तरह पौधे भी लिविंग थिंग्स है, और इसलिए मनुष्य और जानवरों की तरह प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट का एक विशेष काम होता है। आप कहीं भी घर में, गार्डन में जो प्लांट आप देखते हो वो कंप्लीट प्लांट नहीं होता है। कुछ पार्ट होते हैं प्लांट के जो ग्राउंड के अंदर होता है, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो पौधे का वह पार्ट जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है, रूट यानी कि जड़ कहलाता है, और पौधे का वह पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, शूट यानी कि शाखा कहलाता है। और इसी शूट में पाई जाती है स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्लांट के प्रत्येक पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रूट्स यानी कि जड़ें। तो रूट्स जो होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं से भी ग्राउंड से एक छोटा सा पौधा को खींच लेंगे और उसका जो निचला हिस्सा होगा वहाँ पर मिट्टी लगी होगी, उसको आप क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, तब आपको रूट दिखाई देगा। ये जो रूट्स होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है हमारा टैप रूट्स और दूसरा फाइबर्स रूट्स। टैप रूट्स यानी कि मूसला जड़, यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, आप देखिए। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो उनमें एक मेन जड़ होता है, जो मेन जड़ होता है जो कि स्टीम के आखिरी छोर से ग्रो करता है, यानी एक ही मुख्य जड़ उसमें होता है और उसी से बहुत सारी जड़ें जुड़ी हुई होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा मस्टर्ड और बीन्स। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जैसे मस्टर्ड और बीन्स है, इनकी जड़ें कैसी होती है, तो वो होती है मूसला जड़। उसके बाद है हमारा फाइबर्स रूट्स यानी कि रेशेदार जड़। बच्चों, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है, वो भी स्टिंग के आखिरी छोर से ग्रो करती है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, पर ये कैसी होती है, इसमें बहुत सारे धागों की तरह छोटी छोटी ये जड़ें होती हैं, पूरे नीचे ये फैली हुई होती है। और इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के बहुत भीतर तक नहीं जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा वीट एंड राइस। वीट और राइस जो प्लांट है उसकी जो जड़ें होंगी वो कहलाएंगे फाइबर्स रूट्स। अब बच्चों, रूट्स का उपयोग क्या है, क्या है उसका यूजेस। तो रूट्स जो होता है वो प्लांट को जमीन में अच्छी तरह जकड़ के रखता है, मिट्टी में वो प्लांट्स को जकड़े हुए रहता है। उसके बाद दूसरा क्या काम है, ये क्या करती है कि जमीन से, मिट्टी से ये पानी और खनिज को अवशोषित करती है, जो कि प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद इसका तीसरा यूज क्या है, तो ये है प्लांट्स जैसे कैरोट, टर्निप, बीटरूट, ये सब अपने बचे हुए भोजन को अपनी जड़ों में जमा करके रखते हैं और इनको हम लोग भोजन के रूप में, इनमें से कई को हम लोग अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा रूट्स के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट और इसके जो और भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ रूट्स पढ़ा है, अगले क्लास में हम लोग शूट्स पढ़ेंगे और शूट्स के अंतर्गत जो भी आता है, जैसे स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।